हिमाचल के बिलासपुर में नेपाली महिला ने एक पुलिसकर्मी पर दुराचार के आरोप लगाए हैं। महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे हिरासत में ले भी लिया गया है। नेपाली मूल की एक महिला ने पुलिस कांस्टेबल पर उससे जबरन अपने साथ ले जाने और दुराचार करने के आरोप लगाए हैं। महिला की शिकायत पर बरमाणा थाने में तैनात कांस्टेबल के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस भी दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक छकोक क्षेत्र की नेपाली मूल की महिला ने पुलिस में दर्ज शिकायत में बताया है कि वह मजदूरी करती थी। उसके चार बच्चे हैं, एक बेटा पंजगाई में उसके पति के पास है जबकि तीन बच्चे उसके साथ रहते हैं। गत शुक्रवार शाम पुलिस कांस्टेबल अजय उनके क्वार्टर में आए। वहां वे पहले खरसी चौकी में तैनात था, इस वजह से उसे जानता था। पुलिस कांस्टेबल ने उससे राशन देने की बात कही, गाड़ी में रखा राशन लेने को अपने साथ आने को कहा। वह गाड़ी के पास पहुंची तो उसमें चालक पहले से बैठा था। आरोपी ने उसे जबरन गाड़ी में बिठाया और गुमार में ले गया। यहां क्वार्टर में पुलिसकर्मी ने उसके साथ दुराचार किया, बाद में गाड़ी चालक उसे गुमारवी में ही छोड़कर चला गया। डीएसपी संजय शर्मा ने बताया कि महिला की शिकायत पर बरमाणा थाने में आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पीड़ित महिला का मेडिकल करवाया जा रहा है। आरोपी के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया है और 3 दिन का रिमांड पर भेज दिया गया है। 16 मई को एक नेपाली मूल की महिला, उम्र करीब 40 वर्ष, उसने थाना बरमाना में जो है वो FIR करवाई है कि एक पुलिसकर्मी जो पहले पुलिस चौकी खारसी में कार्यरत था, तथा दोनों दूसरे के नोन है, उसको जो है वो 15 मई को एक गाड़ी में बिठा के जो है वो जबरदस्ती गुमारमी अपने क्वार्टर में ले आया और जहां उसने उसके साथ जो है वो गलत काम किया। इस संदर्भ में जो है वो थाना बरमाना में धारा 366, 376, 34 IPC के अंतर्गत जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसका अन्वेषण जो है वो DSP हेडक्वार्टर बिलासपुर कर रहे हैं, तथा इस मामले में अभियुक्त को जो है वो उसी दिन 16 मई को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसे आज जो है न्यायालय में पेश किया गया और 3 दिन के रिमांड पे जो है वो अभियुक्त को जो है वो न्यायालय ने भेजा है। पुलिस जो है वो इस संदर्भ में जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इसमें जैसे जैसे भी तथ्य सामने आते जाएंगे उसके मुताबिक जो है वो पुलिस जो है वो अतिशीघ्र जो है वो चालान तैयार करके जो है न्यायालय में प्रस्तुत करेगी।